हुकूमती नाअहली की बात करो तो कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं। सिंध के अवाम से इजहार यकजहती के लिए कराची का दौरा किया। मुश्किल वक्त में विफाक ने सिर्फ लफाजी और सियासत की। विफाक को चाहिए था स्टेक होल्डर से मिलकर काम करते। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के तब्दीली सरकार पर वार, बोले इमरान खान में इंतकाम की आग सुलग रही है। अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है। कराची में कारोबारी अफराद भी सैलाब से मुतासिर हो गए। वज़ीर-ए-आज़म मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत से मशावरत करें। कराची के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बदतरीन नाकामी की बात करते हैं, आज तक वहाँ पर वो नहीं पहुँचे। हमें मौका मिला तो मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा कि कराची की सूरत हाल हम 2-3 साल में यकसर बदल देंगे और कराची को लाहौर नहीं, कराची को सही मानों में पेरिस। जब महंगाई की बात करते हैं तो एनआरओ मांगते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नियाजी कह रहे हैं अपोजिशन जो है फेडफ के ऊपर हिंदुस्तान की जो है आवाज़ जो है वो मिला रही है उसके सामने। कौन शख्स कह रहा है, कहा था मैं मोदी को फोन कर रहा हूँ और मेरी फोन कॉल नहीं उठा रहा। पूरी अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है। उनका नियाजी उसको बहुत उसको तकलीफ है कि ये अपना आ रहा है जा रहा है तो उसको किस तरीके मैंने बंद कर रहा है। डीजी है उसने जेल काट ली, मेरा बेटा जेल काट रहा है। मियाँ साहब भी जब उनको डॉक्टर वहाँ पर अपना इजाजत देंगे वो पेश होंगे।